ड्रामा सीरियल बिखरे मोती एपिसोड 7 में आप देखेंगे, शहजादी काम पे जाने लगी तो उसकी दादी शमसा बेगम उसका बाजू पकड़ के कहती हैं, सुन उसको बताने की कोई जरूरत नहीं कि तू काम पे जाती है, और अगर तूने उसे कुछ भी बताया तो तू मुझे अच्छी तरह जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर आहद को जब ये मालूम हुआ कि आयजा के वालिद उसकी शादी कर देंगे तो आहद आयजा को अपना वादा याद दिलाता है कि तुमने कहा था कि हर हाल में मेरा साथ दोगी, तुम मेरे लिए सब कुछ करोगी, कहा था ना। तो आयजा हाँ में सारे लाती है तो आहद कहता है, बस फिर अब वक्त आ गया है, हमें शादी करनी होगी, वो भी सबकी मर्जी के खिलाफ। आयजा बच्चों पे होने वाले जुल्म पे खामोश नहीं रह सकती, वो हैदराबाद जाने का फैसला करती है तो उसकी वालदा पूछती हैं, तो आयजा कहती है, मैं फैसला कर चुकी हूँ अम्मी, मुझे अब किसी मौजे का इंतजार नहीं, मैं हैदराबाद जाऊंगी और जान को वापस लेके आऊंगी। जुल्फी भाई अगर अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो इन्हें बांटने का भी इन्हें कोई हक नहीं। आयजा को अपनी मरहूम बहन से किया हुआ वादा आज भी याद है और वो बच्चों की ढाल बन जाएगी।